हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो गुड मॉर्निंग आप लोगों को। ये सुबह का टाइम है जिस टाइम मैंने वीडियो शूट किया है, लेकिन जिस टाइम मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो अभी दोपहर का टाइम हो गया है। और यहाँ पर सुबह मैं बना रही थी मेथी के पराठे, तो मेथी को मैंने बॉयल करके और आटा लगा लिया था और सिर्फ यहाँ पर पेड़े करके रोटियाँ बना रही थी। तो सिर्फ इतना ही शूट किया मैंने। पहले तो मैं शूट नहीं कर रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर रोटियाँ मतलब पराठे जो भी कहो वो बना रही हूँ। और पराठे कई लोग गोल भी बनाते हैं, कई लोग दूसरी शेप में भी बनाते हैं, तो मैंने सिर्फ यहाँ पर गोल गोल जैसे रोटी बनाते हैं वैसे ही बनाए थे। शेप जो बनाते वो करके नहीं करा था। और ये देखिए यहाँ पर मैंने पराठा बेल लिया है अपना और पराठा सेक रही हूँ। तो मेथी का पराठा बनाने के लिए मतलब इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, सिर्फ मेथी है, नमक है, मिर्च है और थोड़े बहुत मसाले जो डालते हैं वो डाल दिए हैं। और इस पे हल्का हल्का घी लगा के इसको अच्छे से सेकेंगे। और यहाँ पर पराठा मेरा लगभग सिक गया है, तो पराठे को मैं दबा दबा कर करछी से सेक रही हूँ, क्योंकि पराठा अच्छे से सिक जाता है तो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और गैस कम करके ही बनाया जा मतलब फुल पे अगर बनाओ तो सड़ने लग जाते हैं पराठे, तो गैस कम करके ही उसको हल्का हल्का सेक के उसके बाद में फिर हम लोगों का नाश्ता हो गया था। तो उस चीज़ की मैंने वीडियो शेयर नहीं की आप लोगों के साथ में। और यहाँ पर गुल्लू गया था स्कूल, आज उसका एग्ज़ाम था, तो वही मैं इसका क्वेश्चन पेपर चेक कर रही थी यहाँ पर। और ये फर्स्ट टाइम है कि गुल्लू ने इस तरीके से एग्ज़ाम दिया है, क्वेश्चन पेपर जो उसे मिला है, नहीं तो जैसे छोटे बच्चों का होता है वैसे ही होता था। और ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही थी उस टाइम में तो एग्ज़ाम वगैरह ऐसे नहीं होता था, तो बस वही सब देख रही थी कि क्या क्या आया है उसके पेपर में। और यहाँ पर ये कमल का थोड़ा सा सिलाई निकल गया है, तो मैंने सोचा इसको ठीक कर लेती हूँ, नहीं तो ऐसे ही रहेगा तो ये सारा फट जाएगा, उधड़ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें थोड़ी सी सिलाई लगा रही हूँ। और बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर हो रहा है क्योंकि किसी के घर पे टाइल्स लग रही हैं, तो उसकी मशीन की आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ आप लोग उसको इग्नोर करिएगा। और यहाँ पर बस मैं फटाफट इसको सिल रही हूँ और अरमान से थोड़ी बात भी कर रही हूँ कि स्कूल में आज क्या क्या किया है, कैसे पेपर किया है, तो वही सब ये बता रहा है यहाँ पर। और इसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ बर्तन धुलने के लिए। तो ये बर्तन धोने का जो वीडियो है वो मेरा 4-5 दिन पहले का शूट किया हुआ है और इसको मैंने कहीं वीडियो में डाला नहीं है, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर ही डाल देती हूँ, क्योंकि वो सारा काम करने के बाद में मैंने बर्तन ही धुला है, तो बर्तन धुलने का ही वीडियो मैं डाल रही हूँ। तो बस यहाँ पर फटाफट से सारा बर्तन धुल रही हूँ और ये वीडियो शूट किया है निशा ने। तो चलिए फिर आप लोग म्यूजिक के साथ में थोड़ा सा वीडियो एंजॉय कीजिए।
और यहाँ पर ये शाम का टाइम हो गया है, शाम के टाइम में चाय पीने जा रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो मेथी वाली मट्ठी होती है वो लेकर आए थे, तो वही मैं खा रही हूँ और चाय पी रही हूँ साथ में। और साथ में इधर सुनील भी बैठा है, निशा भी बैठी है, तो हम लोग कुछ चैनल के बारे में ही बात कर रहे थे। तो चलिए फिर अब मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी, आगे वीडियो नहीं है। तो चलिए फिर, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, और आप किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डेली ब्लॉग देखना चाहते हैं या फिर और जो चैलेंजिंग वीडियो हैं वैसी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेथी की मट्ठी किस किस को ज़्यादा पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करके बताइएगा, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए फिर, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।